और ना सिर्फ आज रक्षाबंधन है बल्कि सावन का पांचवा और आखिरी सोमवार भी है और इस मौके पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और श्रद्धालु गंगा समेत दूसरे पवित्र नदियों में स्नान कर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे। शिव मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव बोल बम और ओम नमः शिवाय गूंज रहे हैं। इस साल सावन का अंतिम सोमवार पर बहुत ही खास ये माना गया है। सावन का आखिरी सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है और इसीलिए और भी शुभ हो जाता है। आप देखिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जलाभिषेक के लिए भक्त इंतजार करते हुए, तो शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपने शिव का दीदार करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। आज सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में शिव मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भोले बम बम के जयकारे गूंज रहे हैं, ओम नमः शिवाय के साथ आज सभी लोग भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही शिव मंदिरों में पहुंचे हैं। पांचवा और आखिरी सोमवार है सावन का। ये सोमवार जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है क्योंकि इस बार पांच सोमवार भी पड़ रहे हैं और खास बात यह है कि इस बार के सावन के सोमवार शुरुआत भी सोमवार के दिन से हुए हैं और खत्म भी सोमवार के दिन ही हो रहे हैं। तो आज पांचवा और आखिरी सोमवार है और एक और खास बात है कि आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। ऐसे में दो बड़ी चीजें आज हैं। ऐसे में शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है और जो कांवड़िए हैं वो भी पहुंच रही हैं और भोले बाबा का अभिषेक कर रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप मंदिरों में भीड़ देख सकते हैं सुबह से ही। तो आस्था का सैलाब तीन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से शिव मंदिरों में उमड़ा हुआ है। आज का दिन खास सोमवार आखिरी सावन महीने का और सावन महीने में जाहिर तौर पर भगवान शिव के लिए ये पूरी तरह से समर्पित होता है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से या भगवान भोले के लिए व्रत रखते हैं सोमवार की और उनसे मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना जरूर भगवान शिव, भोले भंडारी जिन्हें कहा जाता है, वो पूरी करते हैं। हर तरफ महादेव, हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से आस्था का सैलाब सुबह से अल सुबह से ही उमड़ा हुआ है। ये कहें कि देर रात से कांवड़ियों का भी पहुंचना शुरू हो गया। जलाभिषेक करती हुई तस्वीरें आपके सामने, भगवान शिव के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु, हर हर महादेव के गूंजे नारे और इन सबके बीच आज सोमवार सावन महीने का आखिरी सावन के सोमवार का खास महत्व हमारे यहाँ बताया गया है। कहा जाता है कि अगर भोले भंडारी को आप सच्चे दिल से याद करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बेलपत्री, पूजा सामग्री और जलाभिषेक के लिए देखिए किस तरीके से जल लेकर पहुंच रहे हैं तमाम श्रद्धालु। जबरदस्त सुबह से भीड़ लगी हुई है, बम बम भोले के नारे भी आप सुन सकते हैं। और इसी के साथ आज जो है सावन के सोमवार समाप्त हो जाएंगे। ये पवित्र महीना आज समाप्त हो जाएगा और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ किस कदर देखने को मिल रही है। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस की पूरी व्यवस्था भी जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ ना हो सके। और ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग जगह से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं एमपी के धनसोर से। जाहिर तौर पर नरेंद्र बहुत आज का दिन का महत्व है और आपको देखकर तो ऐसा लगता है, सबसे पहले तो बम बम भोले आपको भी, क्योंकि आपने भी दर्शन कर लिए हैं बाबा भोले के, किस तरीके से आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, आज श्रावण मास का पांचवा सोमवार है और रक्षाबंधन का पर्व भी है और सबसे बड़ी बात है कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश में मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव आज शाही सवारी के रूप में सवार होकर अपने भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तो तीन योग संयोग आज बन रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ की आरती चल रही है और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दर्शन करवाता हूँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव के। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं और ऊपर से अभिषेक भी हो रहा है, ये अद्भुत दर्शन हमारे दर्शक कर पा रहे हैं।
ये दर्शन जो है पूर्व मुख है। आपको बता दें कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव अष्टमुखी प्रतिमा मंदसौर में विराजित है, जहाँ पर ये दर्शन हो रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ के पूर्व मुख के, जहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के बाल्यकाल के दर्शन करवाए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ का जो मुख है वो पूरी तरह से बच्चों जैसा है, भगवान कृष्ण जैसी इनकी प्रतिमा है, सिर पर मोर पंख है, यहाँ पर देख सकते हैं नाग का इनका श्रृंगार है। तो पशुपतिनाथ मंदिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरती चल रही है, विघमगम दृश्य, खूबसूरत ये दृश्य, जहां पर देखिए किस तरीके से आप पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन भी आप कर सकते हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहां पर जमा है और हमारे संवाददाता नरेंद्र एक बार फिर उनका रुख करते हैं। नरेंद्र आपको ऑडियो मिल रहा है? लगता है नरेंद्र संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको अलग अलग जगह से तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से मंदिरों में आज तैयारियां की गई हैं, सजावट की गई है, और क्योंकि अभी सुबह का समय है तो इस समय आरती की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। हर हर महादेव के नारों से इस वक्त पूरा मंदिर परिसर गुंजवान है और सुबह से ही भोले के भक्त भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में उमड़ रही हैं। और हम कुछ तस्वीरें भी आपको अलग अलग मंदिरों की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए विशेष सजावट की गई है और ये रात से ही जो है भोले के भक्त मंदिरों में पहुंचे और जहां पर उनका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया जा रहा है। और कुछ कांवड़ियां हैं जो मंदिरों में पहुंचे हैं अपने जल चढ़ाने के लिए। तो सावन का ये सोमवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इसे बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और कई तरीके की सजावट जो है वो मंदिरों में भी की जाती है और सावन के इसी पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है। ऐसे में गंगा जल लेकर लोग दूर दराज से जो है शिव जी को अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं और इसी प्रकार से आज जो है सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार है, तो इसी के साथ सावन का ये महीना समाप्त हो जाएगा। लेकिन सावन का ये पवित्र महीना अपने आप में बेहद खास है और जाहिर तौर पर बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, क्योंकि आपको यहां पर लगातार हम देश के कोने कोने से शिवालयों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दर्शन करा रहे हैं। देखिए उज्जैन भी हम आपको लिए चलेंगे जहां पर हमारे संवाददाता हैं, क्योंकि वहां पर भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है महाकाल के दर्शन करने के लिए। उज्जैन दूर दराज से भक्त आते हैं और उज्जैन भोलेनाथ की नगरी, जहां पर दूर दराज से लोग आकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में उज्जैन में पूरी तैयारियां की गई हैं, जहां पर भस्म आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और अभी भी भोले के भक्तों की भीड़ जो है वो उज्जैन में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही या कह लीजिए कि जब सूरज भी नहीं उगा था तब से जो है लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है, हर एक दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है ताकि जल्द से जल्द उनके दर्शन हो सके। और क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व भी है तो ऐसे में सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन के बाद सभी बहनें भाई जो हैं रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को भी मनाएंगे। तो ऐसे में आज दो त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ही खास दिनों में से एक है। बिल्कुल, आपको उज्जैन का हमने महाकाल का मंदिर भी दिखाया, एक बार फिर मंदसौर ये चलते हैं। हमारे संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र आप आरती हमें दिखा रहे थे और जरा दर्शन भी पशुपतिनाथ मंदिर के दिखा दीजिए ताकि हम भी धन्य हो जाएं। जी बिल्कुल, हम आपको फिर से हमारे दर्शकों को फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आराधना की जा रही है। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, आप भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। दादा आप तो कई समय से यहाँ पर आते रहते हैं, आज भगवान पशुपतिनाथ की पांचवा सोमवार है, शाही सवारी के रूप में आज निकलने वाले हैं। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ जो मंदसौर में पशुपतिनाथ भगवान का आज मेरे साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं धन हो गया हूँ, ये मंदिर की मैंने बहुत सी विशेषताएं सुनी है, इसके बारे में अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज भगवान पशुपतिनाथ श्रावण मास के पांचवे सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलेंगे और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप भगवान पशुपतिनाथ का पूर्व मुख जो है उसके दर्शन हम करवा पा रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी रूप में यहाँ पर विराजित है
और इसके बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति शिवना नदी से प्रकट हुई थी और उसके बाद से ही यहाँ पर प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद से लगातार यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ पूरे विश्व में विख्यात हो गए हैं। नेपाल के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल नरेंद्र, और अपने आप में अद्भुत ये रूप है महादेव का और इसी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। हम लौटेंगे कोटा, हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, कोटा की क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके की आज तैयारियां हैं, क्योंकि खास पर्व दो एक साथ मनाए जा रहे हैं। सुबह जो है सावन के सोमवार के लिए आज सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शाम को रक्षाबंधन का पर्व भी है। देखिए, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना, पूरे महीने शिव भक्ति के बाद आज सावन का आखिरी दिन है और खास बात यह है कि आखिरी दिन भी सोमवार ही है। सावन इस बार खास तौर पर सावन की शुरुआत सोमवार के साथ में हुई थी और सावन का जो समापन है वो भी सोमवार के साथ हो रहा है। और फिलहाल तस्वीरें जिस शिव मंदिर से है या की महिमा प्रभार है, कोटा का ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत खास है। लोग दूर दूर से आते हैं। कोटा के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में से एक इस मंदिर को माना जाता है और यहाँ जो है वो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। देख सकते हैं आपकी भक्त फिलहाल यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में। सुबह से ही विशेष अनुष्ठान और विशेष पाठ फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं। लोग पूरी पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो कर रहे हैं आज, क्योंकि खास तौर पर जो शिव भक्त हैं वो पूरे महीने सावन के व्रत रहते हैं, सावन के सोमवार के व्रत करते हैं। तो इसके साथ ही आज जो है वो विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो किया जाता है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि आरती भगवान भोलेनाथ की चल रही है और भगवान भोलेनाथ के वक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। शिव मंदिरों में दिन भर आज इसी तरह से जो विशेष आयोजन है वो होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक आज पूरे दिन किया जाएगा और इसी के साथ में आज सावन का समापन हो जाएगा। निश्चित तौर पर आज का दिन खास है, इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आज सावन के समापन के साथ में आपको बता दें कि आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। तो जो रक्षाबंधन की भी धूम जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच में आज सावन का आखिरी सोमवार और शिवालयों में भक्तों की भीड़, भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक, भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में विशेष पाठ जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो आज सावन का आखिरी दिन, सावन का सोमवार और आज विशेष आयोजन, विशेष पाठ तमाम शिवालयों में यहाँ पर चल रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर कोटा से तस्वीरें, आस्था में डूबे हुए श्रद्धालु और हमारे साथ उज्जैन से भी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल अजय, आपके पास आएंगे, उज्जैन की तस्वीरें दिखाइए। महाकाल की नगरी में आज किस तरीके का उत्साह है? जी देखिए बाबा, महाकाल की नगरी में जो है पूरे सावन के महीने में बड़ा उत्साह देखने को मिलता है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और आज बड़े ही दुर्लभ क्षण है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और साथ में रक्षाबंधन भी है। तो जिसको लेकर सुबह प्रातःकाल जो है भगवान महाकाल के पट खोले गए और साथ ही इसके बाद जो है भगवान महाकाल के दरबार में पूजन पाठ का सिलसिला शुरू हुआ और भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसी के साथ भगवान महाकाल को राखी अर्पित की गई और भगवान महाकाल को जो है आरती की करने के बाद जो है 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है। इसी के साथ जो है ये सिलसिला आज पूरे दिन चलता रहेगा और भगवान महाकाल जो है 4:00 अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर के भ्रमण पर निकलेंगे और माँ शिप्रा के तट पर पहुंचेंगे जहाँ माँ शिप्रा के जल से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद सवारी जो है महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी, लेकिन सावन के महीने में माना जाता है क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी जो है वो स्वयंभू है और साथ ही दक्षिण मुखी शिवलिंग होने के कारण यहाँ पर दर्शन की मान्यताएं और बढ़ जाती है और इसी को लेकर श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं और भगवान महाकाल की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। उनको एक बेलपत्र मात्र चढ़ाने से ही जो है श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण हो जाती है और इसी को लेकर श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ उज्जैन आते हैं। श्रद्धालु भी आपके आसपास है, जरा बात करिए, खुशी उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बताइए आप कहाँ से आए हैं और दर्शन व्यवस्था कैसी रही और दर्शन कैसे रही आपने? मैं बेंगलोर से आया हूँ और दर्शन व्यवस्था अच्छी है, 1 घंटे के अंदर दर्शन हो गए। थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा, आज लास्ट सावन का महीना है ना, सावन का सोमवार लास्ट सोमवार, इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा है, बट थोड़ा अच्छा है,
कुल मिला के भगवान से अच्छा दर्शन हो गया और भगवान से अच्छी से प्रार्थना की। रवि जी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर देश के कोने कोने से शिवालयों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें आरती की दिखा रहे हैं। रवि, चूंकि काशी विश्वनाथ में आप मौजूद हैं, हर हर महादेव दर्शन कराइए और जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरह से आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हर हर महादेव, सबसे पहले इसकी शुरुआत किया जाए और अगर मैं बात करूं आज दर्शन की, तो काशी के आज महाउत्सव का अंतिम दिन है और महाउत्सव के अंतिम दिन में भक्तों की लंबी कतार महादेव के चरणों में भक्ति अपनी अर्पित कर रही है। दूर दराज से लोग यहां पर आए हुए हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें देखिए, ये भक्तों की एक ये लंबी कतार लगी हुई जो ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार यहां पर दर्शन कर रही है। दूर दराज से जो भक्त है वो यहाँ आए हुए, पूरे पूर्वांचल सहित पश्चिम बिहार और पूरे देश के कोनों कोने से यहाँ पर भक्त आकर के आज अंतिम दिन महादेव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित कर रहे हैं। और महादेव, यह माना जाता है कि सावन के महीने में काशी में महादेव माँ पार्वती के साथ विराजमान होते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर दर्शन करने का महत्व अधिक माना जाता है। और जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तब से इसकी जो भीड़ है वो 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई है। पूरे अगर सावन भर की बात करें तो 50 लाख से अधिक जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर अपना जो अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और लगातार आज अंतिम दिन ये दर्शन करने की कतार शुरू है और लगातार भक्त सुबह से ही दर्शन करते आ रहे हैं। पवित्र स्थलों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहाँ के दर्शन हमें कराने के लिए।